हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी HOCD के बारे में, यानी कि होमोसेक्सुअल OCD के बारे में। मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि HOCD किस तरह से आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस हैं। और अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं OCD को। OCD में इसमें आज स्पेशली मैं HOCD के बारे में ही बात करूंगी, लेकिन कोई भी OCD हो, ये जो साइकिल है वो सब में ऐसा ही रहता है। अब इसमें सबसे पहले एक ट्रिगर है, मिलता है किसी पर्सन को, और फिर उसके दिमाग में कुछ ऑब्सेशन यानी कि ऑटोमेटिक थॉट आते हैं, जो कि उसकी बेसिकली मिस इंटरप्रिटेशन का नतीजा होता है। तो यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन होती है, फिर उसको एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस होता है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है उसे न्यूट्रलाइज करने की। तो लोग क्या करते हैं, उसमें फिजिकल, मेंटल कंपल्शंस परफॉर्म करते हैं, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, और फिर रीइन्फोर्समेंट हो जाता है OCD का। ये नॉर्मली एक OCD सफरर करता है, ये बहुत बड़ी गलती करता है। लेकिन इससे फ्रीडम का जो पाथ है वो है ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अब ये CBT, ERP इतनी पॉपुलर थेरेपी हैं कि हर कोई इनके बारे में जानता है। अब जैसे OCD के लिए ERP थेरेपी बहुत पावरफुल मानी जाती है, लेकिन ERP आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने ऑब्सेशन के लेवल पर काम करेंगे, आप अपने थॉट के लेवल पर काम करेंगे। क्योंकि जब आप रियल में अपने उस ट्रिगर को, उस फियर को दूर करने के लिए जाएंगे, आप उस कंपल्शन को नहीं कर उस सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहेंगे, तो उस वक्त आपके माइंड में जो थॉट्स आप पर अटैक कर रही होंगी, उन थॉट्स को आप कैसे मैनेज करेंगे, उन थॉट्स को किस तरह से रिप्लेस करेंगे, नई थॉट आपकी क्या होगी, किस तरह से आप अपने फिजिकल सिम्टम्स को संभालेंगे, इस सब के लिए आपको CBT की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम समझते हैं, मैं आपको पूरा एक केस का एग्जांपल दूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो अपनी HOCD से पूरी तरीके से बाहर आया, और अब एक साल हो भी चुका है ट्रीटमेंट ख़त्म हुए, लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट लाइफ जी रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहा है। तो समझते हैं इस केस को पूरा। अब आप ये वर्कशीट जो है, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा भी होगा। अभी इसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगी, पहले केस समझ लेते हैं। एक जो लड़का है, इसकी उम्र 17 साल थी जब ये मेरे पास आया था। अब इसको एक दिमाग में वहम हो गया कि ये होमोसेक्सुअल है, ये गे है, ये इसके दिमाग में एकदम से आ गया। अब ये आया कहाँ से, ये ऐसे आया कि इसने एक वीडियो देख ली, और उस वीडियो में इसने दो लड़कों को सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देख लिया। अब ये वीडियो ने इसके दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि इसको उसके बाद डाउट होने लगा कि मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, इतना इंटरेस्ट लेकर देख रहा हूँ, कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए मैं ऐसा देख रहा हूँ। और ये सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके, ये सेल्फ डाउट में चला गया। और फिर इसने इसी तरीके की 2-4 वीडियो के और भी रेफरेंस लिए, और इसको इस बात से देख देख के चिढ़ होने लगी। और जब उसमें वो चिढ़, वो कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जुड़ती चली गई, तो इसको और ज़्यादा परेशानी होने लगी, और ये बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चला गया। और सेल्फ डाउट में जाने से ये बार 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 अपने आप को ही चेक करने लगा। फिर गूगल ने और काम ख़राब कर दिया, गूगल कर लिया और बहुत सारी वीडियोस देखी और एक दो लोगों से पूछा, तो वहाँ से भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली, और इस तरीके से उसके अंदर डर बढ़ता ही चला गया, बढ़ता चला गया उसके अंदर डर। अब जब उसके अंदर डर बढ़ता चला गया, तो उसने जो एविडेंसेस उसके पास थे भी, जैसे कि उसका एक लड़की पर क्रश था, उसको लड़कियों के साथ कंफर्टेबल फील होता था, अच्छा जैसे कि इस एज में यंग बॉयज़ को फीलिंग्स आनी चाहिए, वो सब फीलिंग्स बिल्कुल आती थी, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी सेल्फ डाउट में चला गया कि कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे को गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन एक्चुअल में मेरे जो अट्रैक्शन है वो बॉयज़ की तरफ है। जो भी उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे बॉयज़, उन सब पे उसे डाउट होने लगा, उनका टच करना या उनके साथ खेलना सब अनकंफर्टेबल फील होने लगा। इवन अपने घर में ताऊजी, पापा, दादा जी, सब के टच से उसको प्रॉब्लम होने लगी। उसको मतलब कोई भी टच नहीं कर सकता था, उसको यही लगता था कि अगर किसी भी मेल के पास वो है, उनके क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है या टच कर रहा है, तो वो फीलिंग्स उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगती थी। उसका दिमाग इंटरप्रेट करता था कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं लाइक करने लग रहे हो, इसलिए तुम उनके पास जा रहे हो, इसीलिए तुम उन्हें हग कर रहे हो, या इसीलिए तुम उनको छूने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में जो है ना, बार 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 घूम रही थी, बार बार रोना, परेशान होना, ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था। उसकी पढ़ाई भी बर्बाद होती जा रही थी, और उसके दिमाग में बस एक ही थॉट थी कि अगर मैं गे वास्तव में हूँ, मुझे एक चीज़ कंफर्म हो जाए, तो मैं सुसाइड कर लूँगा।
ये उसके साथ होता जा रहा था और कई महीनों से, शुरुआत में उसने किसी से शेयर नहीं किया, अंदर अंदर वो बच्चा घुटता रहा, लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी फैमिली को भी पता चला और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो देखिए, अब समझते हैं कि जब हम थॉट के लेवल पर काम करते हैं तो कैसे काम करना है, और इसके लिए आपको ERP भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले थॉट के लेवल पर सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉलम बना लेने हैं। यहाँ पर आपका एक्टिवेटिंग इवेंट या कोई भी सिचुएशन जो ट्रिगर आपको मिला, तो जैसे यहाँ पर क्या था, वो वीडियो का रेफरेंस था, उसने वीडियो देखा जिसमें होमोसेक्सुअल एक्टिविटी हो रही थी और उसको डर हो गया ये गे वाला, और उसने ये जो वीडियो था वो उसके लिए एक एक्टिवेटिंग, एक ट्रिगरिंग इवेंट था जो उसके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आना शुरू हुई। अब जब उसने ये वीडियो देखी थी, अभी मैंने आपको बताया कि फिर उसने बहुत सारा गूगल वगैरह भी कर लिया था और फिर उसने और भी सारी रेफरेंस वीडियोस देख ली थी, तो अब ये जो वीडियोस ही हुई वो, चाहे उसने एक वीडियो देखी हो या चार वीडियो देखी हो, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया वीडियो, आप चाहें तो डिटेल में भी पूरा लिख सकते हैं। अब उससे जो इवेंट है उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक थॉट, यानी कि जो उसने इंटरप्रिटेशन निकाली, उसने निकाला कि मैं ये जो वीडियो है ये इतने इंटरेस्ट से देख रहा हूँ, कहीं मैं भी तो गे नहीं हूँ। उसको अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया, उसको लगा कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं होना चाहिए हूँ, तो उसके दिमाग में बार 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 वही थॉट आ रहे थे। तो इसका जो यहाँ पर एसोसिएटेड थॉट जो जुड़ा इस इवेंट से, वो जुड़ा कि कहीं मैं गे तो नहीं हूँ। तो वहाँ पर उसका क्या आ गया, यहाँ पर सेल्फ डाउट चला गया उसके, तो बिलीफ में क्या था उसके, सेल्फ डाउट था उसका अबाउट सेक्सुअलिटी। बार बार उसके दिमाग में आता था एम आई गे, ये उसके दिमाग में चलता रहता था कि कहीं मैं गे तो नहीं हूँ, कहीं मैं गे तो नहीं हूँ, और यही सब चीज़ें उसके दिमाग में चल चल कर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता था। तो इमोशनल लेवल पर उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एंग्जाइटी रहती थी, फ्रस्ट्रेशन रहता था उसको, इरिटेशन, फियर रहता था उसको कि कहीं मैं गे तो नहीं बन जाऊंगा, ये उसको बहुत ज़्यादा फियर रहने लगा था। अब उसके साइकोलॉजिकल लेवल पर उसको ओवरथिंकिंग रहती थी, उसको इमेजेस आती थी, उसको फ्लैश होते थे, जैसे कि कोई उसको किस कर रहा है, उसके बटक्स को टच कर रहा है, या वो किसी और को लिप किस कर रहा है, इस तरीके के उसके इमेजेस आती थी। और ये जब उसके अंदर इमेजेस आती थी इस तरीके की, या उसके चेस्ट पर कोई हाथ लगा रहा है, ये सब उसके अंदर इमेजेस आती थी, उसको फ्लैश होती थी, ये सब उसके साइकोलॉजिकल लेवल पर ऐसा हो रहा था उसके साथ। फिजिकल लेवल पर उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और उसको ब्रेथलेस फील होता था, और बिहेवियर में उसका क्या था कि वो अपनी आंखें बंद करता था और नहीं 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 ऐसे करता रहता था, उसका एक कंपल्शन था, और वो बार 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 गूगल भी चेक करता रहता था। उसके बिहेवियर में था कि होमोसेक्सुअल कैसे पक्का पता चलेगा कि कौन पर्सन जो है वो गे है और कौन ऐसा है जो नहीं है। सो अब वो उसके उसमें गूगल चेकिंग थी, अपनी आँखों को बंद करना और कहना नो नो, ये सब वो कहता रहता था, ये उसके बिहेवियर में था, उसका कंपल्शन, इससे उसको आंख बंद करके नो नो इस तरीके से जब वो करता था तो उसको लगता था कि वो जो इमेजेस उसको दिखाई दे रही हैं वो हट जाएंगी, या फिर वो अपने आप को ये कंफर्म करता था नहीं मैं गे नहीं हूँ, मैं गे नहीं हूँ, इस तरीके से उसके बिहेवियर में ये जो था ये इसलिए था, उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं जो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में थॉट या इमेज आ रही है उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से उसका जो बिहेवियर था वे था। तो इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। अब जब इसको डिस्प्यूट करने की बारी आई तो कैसे डिस्प्यूट करते हैं, चैलेंज करो आपका बिलीफ को लॉजिकली टू गेट एविडेंसेस। अब ये जो आपका बिलीफ यहाँ पर बना हुआ है, जो ऑटोमेटिक थॉट है जो आपके दिमाग में घूम रही है बार 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 बार, क्योंकि वो इतना रोटेट हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि आपका बिलीफ ही बन गया है, अब वो डाउट कर रहा था, तो अब हमें इसे लॉजिकली चैलेंज करना है कि भाई एक बात बताओ कि आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, आपके इससे जुड़े हुए क्या कोर बिलीफ है। तो आप ये देखो कि आपको कोर बिलीफ देखना है। अब ये कोर बिलीफ किस तरीके, कौन सा वाला देखना है आपको, वो देखना है गे के लिए।
मैंने पूछा आपसे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, बताइए आपका क्या कोर बिलीफ है, मतलब जो होमोसेक्सुअल पर्सन होते हैं, जो गे लोग होते हैं, उनके बारे में क्या बिलीफ बना रखा है। तो उसने मुझे बताया कि जो गे लोग होते हैं वो अभिशाप होते हैं, सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट कर देती है, वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, ये उसका बिलीफ बना हुआ था। अब ये बिलीफ उसका जो बना हुआ था, ये कैसे बना उसका बिलीफ, ये पास्ट एक्सपीरियंस, रेफरेंस, इंटरप्रिटेशंस क्या थे। तो रेफरेंस उसकी फैमिली से आया हुआ था, भाई नॉर्मली फैमिली में कभी इस तरीके का कोई भी डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। सो पहले ये जो जब तक एलजीबीटी कम्युनिटी नहीं थी या फिर इस तरीके के केसेस सामने आते थे तो लोग उनको इसी नज़र से देखते भी थे। आज भी जो कड़वी सच्चाई ये है कि जो भी लोग गे होते हैं या लेस्बियंस होते हैं उनको, या अदर फॉर्म होती हैं जिनकी सेक्सुअल प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उनको बहुत अच्छी नज़रों से अभी भी नहीं देखा जाता सोसाइटी में। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें होती हैं, जैसे बहुत ही अगर रॉ लैंग्वेज में मैंने बोला तो इस तरीके से ना कि ये तो जनखा है फलाना, इस तरीके की जो बातें होती हैं, मतलब थोड़ी अजीब सी जो स्लैंग लैंग्वेज में घर में होती हैं इस तरीके की बातें, मतलब कि थोड़ा सा जैसे आपने कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा जो गे हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट उनका बिहेवियर, कुछ डिफरेंट तरीके का बिहेवियर होता है जो कि नॉर्मली बॉयज़ का नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ इस तरीके के उल्टे सीधे नेम भी जो है ना उसने सुने हुए थे। तो उसको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो रेफरेंस था वो डर लग रहा था कि मेरी फैमिली का जो बिलीफ है वही ऐसा है, अगर मैं ऐसा निकला तो मेरे को तो वहाँ से कोई भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, मेरी फैमिली की बदनामी हो जाएगी, ये सब था। और बाकी उसके पास ये वीडियोज़ वगैरह के रेफरेंस भी थे और कुछ फ्रेंड्स से भी उसने इस तरीके की बातें वगैरह करके रेफरेंस लिए हुए थे। उसका अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ था नहीं कि उसने कभी बॉयज़ के साथ कुछ इस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी ट्राई की हो या कभी उसके साथ इस तरीके का कुछ हुआ हो, या पास्ट में भी वो पूरा अपना 17 साल को याद करके नहीं बता रहा था कि कभी उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी लड़के ने उसको टच करने की कोशिश करी हो, या कभी भी किसी तरीके का कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस उसका अपना नहीं था जिससे कि वो सेल्फ डाउट में जाने की कंडीशन में हो। सिर्फ और सिर्फ कुछ रेफरेंसेस थे उसके पास जिसके बेसिस पर, और वो वीडियो देखते ही जो ट्रिगर हो गया। अब उसने जो इंटरप्रिटेशन निकाली वो यही निकाली कि कहीं मैं गे तो नहीं हूं, यहीं पर उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी ये बार 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 उसके दिमाग में चल रहा था। तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो निकाली उसने एक क्वेश्चन की, कहीं मैं गे हूं या नहीं हूं, या फिर अगर मैं ये जो वीडियो देख रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ, और अगर मैं ये देख रहा हूँ तो मैं भी गे हो सकता हूँ क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है बॉयज़ की इस तरीके की एक्टिविटीज़ देखने में। तो यहाँ पर उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी कि अगर मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मैं भी गे हो सकता हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। अब यहाँ पर क्या है कि उसको हम लॉजिकली ये सब चीज़ें एविडेंसेस जो है ना कलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आए या फिर रेफरेंस के बेसिस पर आए या फिर कहीं से इंटरप्रिटेशन जो उसने निकाली है वो हम इसलिए चेक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको क्लैरिटी मिल सके। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया था कि रेफरेंसेस के बेसिस पर जब उसने वो वीडियो देखी तो वो जो पास्ट रेफरेंसेस उसके पास थे उन्होंने उसको सपोर्ट दिया और उसने ऐसी इंटरप्रिटेशन निकाली। यहीं पर एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ उसकी पर्सनालिटी के बारे में। जब मैंने उसके पूरे 17 सालों को तलाशा था तो उसने और उसके पेरेंट्स ने इस बात को बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातें इसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं और ये हर चीज़ को पर्सनली ले लेता है। तो यहाँ पर जो उसकी एक पर्सनालिटी का क्या पार्ट था वो ये था कि वो हर चीज़ को पर्सनली लेता था और इमोशनल ब्रेन से ही उसकी इंटरप्रिटेशन निकालती थी। तो यहाँ पर मैं इधर लिख देती हूँ, आपको ये भी बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि जो उसकी पर्सनालिटी थी वो क्या थी, वो बहुत इमोशनल था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, और उसका जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका था वो था इमोशनल वे। यानी कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाता था, इमोशनल वे में बिना फिल्टर के, यानी कि जो ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है या नहीं है वो कुछ नहीं पकड़ पाता था उसका माइंड, सिर्फ और सिर्फ वो इमोशनल वे में और बहुत ही ज़्यादा पर्सनल मीनिंग निकाल लेता था। क्योंकि जो भी लोग इमोशनल वे में इंटरप्रिटेशन करते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्सनल मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो ये उसकी
नेचर थी। आप लोगों को भी देखना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसी है। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव हैं, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर लेते हैं, तो वो सब उसकी नेचर में भी था। तो उसने इंटरप्रिटेशन निकाल ली कि भाई मैं वीडियो की तरफ इंटरेस्ट से देख रहा हूँ तो मैं भी गे हो सकता हूँ, और वो सेल्फ डाउट में इसी क्वेश्चन में गे हूँ या नहीं हूँ यही सब उसके अंदर चलता रहता था। और उसे बहुत ज़्यादा फियर था कि बस मैं गे नहीं होना चाहिए हूँ, तो वो उसको होमोसेक्सुअल ओसीडी हो गई थी और बार 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 उसके दिमाग पे आ रहा था। उसको समझाया भी, उसको कुछ इस तरीके की वीडियोस भी दिखाई घर वालों ने कि भाई होमोसेक्सुअल जो होते हैं एक्चुअल में, या जिनको होमोसेक्सुअल ओसीडी हो जाती है, उसमें क्या अंतर होता है। अब लेकिन वो चीज़ उसको देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रही थी, उसका माइंड उसे नहीं पकड़ रहा था, उसको लग रहा था कि उसके घर वाले बस ऐसे ही कह रहे हैं उसको। यहाँ तक कि उसकी मम्मी ने ऐसा बोल भी दिया था कि अगर ऐसा है भी तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तुम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं था, उसको बस एक इज्जत चढ़ गई थी। अब जब ये सारी चीज़ें उसको समझाई गई, अब उसके बाद कि भाई कोई एक ऐसा एविडेंस है जो इस बात को प्रूव करे कि तुम गे हो, और अगर है तो उसकी वैलिडिटी क्या है। तो अब ऐसा तो कभी कोई एविडेंस था ही नहीं उसके पास जो ये बता सके कि भाई मैंने अपनी तरफ से कभी ऐसा कोई एफर्ट डाला है, या जो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है जिसके साथ मैं खेलता भी हूँ, कभी कोई एडवांटेज लेने की कोशिश की है, या किसी दूसरे ने किया और मैंने अलाउ कर दिया हो। ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कुछ रेफरेंसेस थे। अब इन रेफरेंसेस को भी देख लेते हैं हम, जो हम रेफरेंस को एविडेंस मान रहे हैं कि इनकी वैलिडिटी क्या है। अब हर तरीके की मूवीज़ जो है, वीडियोज़ जो हैं, वो शूट की जाती हैं, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। अब कोई अगर इंसान अब नेचुरली गे है, वो होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं, अब वो इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप आज देखोगे वेब सीरीज़ में भी देखोगे तो कितना होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, लेस्बियंस। और अभी एक बहुत फेमस करवा चौथ का एक ऐड बनाया था किसी ज्वेलरी कंपनी ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, तो उन्होंने भी लेस्बियंस को कि दो फीमेल्स एक दूसरे के लिए फास्ट रख रही हैं, लेकिन वो अपोज किया गया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसको विड्रॉ कर लिया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी इस तरीके से वीडियोज़ में आजकल होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सेप्टेंस के उससे दिखाया जा रहा है कि हाँ ये भी एक न्यू नॉर्मल है इस तरह से। तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसके माइंड पर इसका एडवर्स इफेक्ट भी आ रहा है, और कुछ लोग जस्ट ट्राई करने के लिए भी कि ठीक है देखते हैं क्या है, तो वो सब कुछ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है लोगों पर। और कुछ लोग जो नेचुरली ऐसे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को रियलाइज़ करते हैं, वो अलग हैं, उनको कोई बॉदरेशन नहीं होती है, वो इस बात से दुखी नहीं होते हैं, वो खुश होते हैं। मतलब अगर कोई एक्चुअल में नेचुरली फील करता है कि वो गे है, उसका नेचुरल अट्रैक्शन बॉयज़ की तरफ है, तो उसको इस बात की कोई बॉदरेशन नहीं होगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा, वो बहुत हैप्पी होगा, और वो अपना पार्टनर लड़के को ही तलाशेगा, या लड़की है तो वो लड़की को ही तलाशेगी, और उसको इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आपको होमोसेक्सुअल ओसीडी हो जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा बॉदरेशन होगा, और आपको डर लगेगा उसमें, और आप उन अनकम्फर्टेबल फीलिंग से बचना चाहोगे, और आपको ये एश्योरेंस चाहिएगी उस टाइम पर कि भाई ये आपको कन्फर्म हो जाए कि आप होमोसेक्सुअल नहीं हो। तो यहीं पर हमें समझ जाना चाहिए कि अगर हमें इस थॉट से ही अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो ये हमारी नेचुरल जो सेक्सुअलिटी है वो नहीं है, ये हमारे को एक ऑब्सेशन, एक फियर के रूप में हमारे दिमाग में कुछ चीज़ जो है वो ट्रिगर हो गई है, सेट हो गई है, तो हमें इससे बाहर आना है। तो वहाँ पर अब जब उसके साथ ये सब चीज़ें लॉजिकली उसको समझाई जा रही थी तो उसको कुछ क्लियर हो रही थी। उससे पूछा भाई एक बात बताओ, इसके कॉन्ट्रेरी तुम्हारे पास कोई एविडेंसेस हैं कि तुम अपने आप को ऐसे डाउट में जा रहे हो कि गे हो या नहीं हो? सो हाँ, उसने बताया कि उसकी क्लास की ही एक लड़की है जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है मनी मन, और वो चाहता है कि उससे वो फ्रेंडशिप करे, उसका नेचुरल अट्रैक्शन जो है ना उसकी तरफ कई महीनों से है, तो ये सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल थी कि हाँ मेरे को उसको देखकर फीलिंग आती है। तो मैंने उससे थोड़ा और ओपनली बात करी कि कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप उसके बारे में सोचते हो, फैंटेसाइज करते हो, तो आपको कुछ फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर क्या फीलिंग्स आती हैं? उसने बिल्कुल बिना हेजिटेशन के बताया कि यस मैम, मेरे को फीमेल्स को देख के, गर्ल्स को देख कर नेचुरल अट्रैक्शन आता है, जिस तरीके से इस एज में एक नॉर्मल सा होता है फीलिंग आती है बॉयज़ को या गर्ल्स को, तो उसको वो सब आ रही थी। तो उसके इस फेवर में कि वो गे है, ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, सिर्फ कुछ रेफरेंस थे कि भाई फैमिली में इस तरीके की कुछ बात हुई है, कुछ इस तरीके के शब्द जो एक्चुअली बहुत अच्छे शब्द नहीं होते, वो घर में उनके कॉन्वर्सेशन में कभी दादाजी, ताऊजी वगैरह इस तरीके की कोई बात कर रहे थे किसी के रेफरेंस में, तो वो शब्द कुछ जो है ना उसके दिमाग में वो घूम रहे थे कि अगर मैं गे निकला तो मेरे लिए भी इस तरीके के कुछ अच्छे शब्द जो नहीं है उसका इस्तेमाल हो जाएगा, तो उसके दिमाग में वो फियर घूम रहा था। तो अब क्योंकि उसके दादाजी और जो घर में ताऊजी वगैरह ये बात कर रहे
हैं, तो वहाँ से जो रेफरेंस आता है वो किसी भी पर्सन के लिए, जो अपने क्लोज पर्सन से आता है, वो रेफरेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है। और जो ये वीडियोज़ वगैरह होती हैं, इसके रेफरेंस भी आजकल यंग जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रियल जैसे होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वही सब कुछ चल रहा है, उसी सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो आप रोक नहीं सकते हैं कि वेब सीरीज़ में क्या दिखाएंगे या वीडियोस कौन बना कर क्या अपलोड कर देगा, बट आप उसको जब देख रहे हैं तो उसकी राइट इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग तो निकालना आपके हाथ में है। या फैमिली में भी अगर सपोज़ कीजिए कुछ ऐसी बात हो रही थी तो किस रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट्स में हो रही थी, आप उसमें एक अच्छी तरीके से हेल्दी वे में डिस्कशन कर सकते हैं। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या नेचुरल एक सेक्सुअलिटी प्रेफरेंस होती है लोगों की, या क्या इस तरीके का फियर आपका दिमाग पकड़ लिया है। तो वो चीज़ से वो समझ नहीं पा रहा था जब, लेकिन वो प्रोफेशनल के साथ उसको एक डिटेल्ड वे में डिस्प्यूट किया जाता है। ये तो मैं वीडियो में आपको कुछ मिनटों में समझा रही हूँ, लेकिन उसके साथ डिस्प्यूट करने में इसके कई सेशंस लग गए, तो मैं आपको ये सारा डिस्प्यूटेशन शॉर्ट में ही समझा रही हूँ। तो अब जब उसके साथ ये बार 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 उसको डिस्प्यूट किया गया, उसको पूछा गया भाई इस बात के क्या एविडेंसेस हैं कि जो आपने रेफरेंस मिले हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं कि आपने एक वीडियो देख ली और आपके दिमाग में ये थॉट आ गया और आपने उस थॉट को इतनी वैल्यू दे दी है, तो इससे आपकी सेक्सुअलिटी चेंज हो जाएगी। जबकि नेचुरली आपने खुद बताया कि गर्ल्स को देखकर आपका इतना अट्रैक्शन होता है, नॉर्मल जैसा होना चाहिए इस एज में, वो होता है आपको, आपको एक लड़की पसंद भी है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके दिमाग में ये जो थॉट बार बार आ रही है जिसका कोई सॉलिड बेस नहीं है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको रियलिटी बेसिस पर इसको समझना पड़ेगा और इसके जो कॉन्ट्रेरी एविडेंसेस हैं जो आपके नेचुरल नेचर और आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस को प्रूव करते हैं, वो चीज़ को आप ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और आपको इस चीज़ से बचने की बजाय, जो आप बच रहे हैं क्योंकि उससे अपने ताऊजी को, अपने पापा को, दादाजी को, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बंद कर दिया सबको, कि कोई मुझे छुएगा नहीं, कोई मुझे टच नहीं करेगा, जैसे नॉर्मली बच्चों को हग कर लेते हैं या हाथ पकड़ लेते हैं, वो सब उसने सब कुछ बंद कर दिया था और अपनी दुनिया अपने कमरे में बना ली थी, कि ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी आपको और एविडेंसेस इसके कॉन्ट्रेरी गैदर करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी तो एक एविडेंस है कि भाई आप जो है ना लड़कियों की तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड हो, दूसरा एविडेंस ये था कि कभी भी उसने बॉयज़ जो उसके दोस्त थे या कोई भी अननोन बॉयज़ का भी कभी किसी का कोई एडवांटेज लेने की कोई कोशिश नहीं की थी, तो उसकी कॉन्ट्रेरी ये भी एविडेंस था। तो इन एविडेंसेस के अलावा हमें और भी एविडेंसेस गैदर करने थे जिससे कि हम उसके जो थॉट था उसके कॉन्ट्रेरी यानी कि उसके ऑपोजिट एविडेंसेस बहुत सारे इकट्ठे कर लें और उसका माइंड इस चीज़ से कन्विंस हो जाए। तो उसके लिए हमने फिर उसको एक्सपोजर टास्क दिए। एक्सपोजर टास्क में जैसे उसको दिया गया कि जाओ अपने फादर को आपको दिन में 5 बार हग करना है, दादाजी को पैर छूने हैं, ताऊ जी के जो है ना जाकर बात करनी है, उनको हाथ जो है ना छूना है उनका, या अगर वो आपको टच करने की कोशिश करें तो आप उन्हें टच करने दें, अपने बॉयज़ जो दोस्त हैं उनके साथ जाओ, क्रिकेट खेलो, बाहर खेलो और खूब खेलो उनके साथ, शॉपिंग पे जाओ या फिर लंच डिनर पे जाओ उनके साथ, मतलब एक्सपोजर करो मेल्स के साथ, मेल्स को अवॉइड मत करो, मेल्स के साथ एक्सपोजर करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए माइंडफुल रहो, अपने थॉट्स के लिए माइंडफुल रहो और राइट थॉट क्रिएट करो कि ये वही दोस्त है जिसके साथ मैं इतने सालों से हूँ, सालों से खेलता आ रहा हूं, ये मेरे ताऊजी हैं, मेरे दादाजी हैं। और नॉर्मली देखो अपनी फीलिंग्स को जब आप उन्हें टच कर रहे हो और जब आप उनसे बात कर रहे हो, जितना आप उनके साथ एक्सपोजर करोगे, उनके साथ घुलोगे घुलते मिलते रहोगे, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए क्लियर होते चले जाओगे, एविडेंसेस आपके पास आते जाएंगे कि किसी भी मेल को देखकर या उसके साथ टच करने से, बातचीत करने से आपको इस तरीके की कोई भी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। तो जब उसने इस तरीके से मेरे कहने पर एविडेंसेस गैदर करने के लिए एक्सपोजर करना शुरू किया तो उसको ये चीज़ क्लियर होती रही। शुरू में उसको अनकंफर्टेबल लगता था कि जब वो जाता था खेलता था तो उसको वो इमेजेस जो आती थी कि किसी ने उसके गाल पे किस कर लिया है या किसी ने उसके हिप पर रब कर दिया है, इस तरीके की इमेजेस उसको तभी भी आ रही थी, लेकिन वो डेयरिंग एटीट्यूड के साथ एक्सपोजर करता गया, उसको वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स बियर करता गया और वो डेली एविडेंसेस कलेक्ट करता चला गया, कलेक्ट करता चला गया। और वहाँ पर उसके इसके कॉन्ट्रेरी जो एविडेंसेस थे कि उसका क्या था, उसका गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन था, ये एविडेंस था, उसने कभी बॉय की तरफ कोई ट्राई नहीं किया था, ये एविडेंसेस था, और साथ के साथ जो उसने एक्सपोजर करा यानी कि जो खेला वो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड किया, उससे भी वो यहाँ के एविडेंसेस सारे इकट्ठा करता जा रहा था। अब जब वो एविडेंसेस इससे इकट्ठा करता जा रहा था तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था तो जब उसको हमने 20 डेज तक ये सब चीज़ें बार 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 करा दी, उसके बाद हमने उससे पूछा कि भाई अब आपका इफ़ेक्टिव न्यू बिलीफ क्या है,
तो तब तक उसको इतना क्लियर हो चुका था कि अब मैं अपने दादाजी के साथ बात करता हूँ या पापा के साथ, ताऊजी के साथ बात करता हूँ या दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि मैं गे तो नहीं हूँ, मेरे को कुछ ऐसी फीलिंग्स नेचुरली नहीं आती हैं, बस मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ऐसा हो ना जाऊं या कहीं मुझे इंटरेस्ट आ ना जाए। तो उसको ये तो बात क्लियर हो गई थी कि वो गे नहीं है, और उसको बस ये था, अभी थोड़ा थोड़ा फियर ये बचा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाद में बन जाऊँ। तो यहाँ पर उससे जब मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा जो नया बिलीफ है, अगर इतना तुम्हें क्लियर हो रहा है तो अभी तुम्हारा नया बिलीफ क्या है इस सब के लिए, तो उसको क्लियर था यहाँ पर कि आई एम नॉट गे, उसको ये बिल्कुल क्लियर था कि आई एम नॉट गे। बट साथ ही साथ उसको एक दिमाग में बैक ऑफ जो फियर था उसके ये था कि कहीं मैं बन ना जाऊँ। लेकिन अभी तक हमने कहा यहीं तक रहने दो आप उसको कि मैं गे नहीं हूँ। अब ये जो डाउट है इसको भी हम डिस्प्यूट करेंगे और फिर इसको भी ख़त्म करेंगे। तो यहाँ तक कि इतनी प्रैक्टिस के बाद उसको 20-25 दिन जब उसको लगातार हो गए थे ये सब एक्सपोजर करते करते, तो उसका एक ये तो क्लियर हो गया था कि भाई मैं गे नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी भी मेल के साथ खेलता हूँ, उन्हें छूता हूँ या उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। अब जब उसको और फर्दर 1 महीने के लिए एक्सपोजर के लिए बोला गया, उसको बताया गया सब चीज़ें, और फिर उसके बाद उसका ये जो बिलीफ था ये और स्ट्रॉन्ग हुआ कि हाँ मैं गे नहीं हूँ, और उसका फियर भी अब रिड्यूस हो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि अब इतना टाइम हो गया है तो ज़रा आइडेंटिफाई करो ये दिमाग में जो थॉट अब घूमता है कि मैं गे नहीं हूँ, और तुम इसको बेटर अंडरस्टैंड करते जा रहे हो, तो अब आपके ये चारों लेवल पर क्या फीलिंग्स में चेंज आएगा। तो उसका फियर जो था यहाँ पर इमोशनल लेवल पर वो रिड्यूस्ड हो चुका था, अब वो लेस एंग्शियस था। साइकोलॉजिकल लेवल पर जो उसको इमेजेस आती थी वो इमेजेस गायब हो गई थी, कोई भी इमेजेस नहीं आती थी उसको। उसकी जो ओवर थिंकिंग थी वो नहीं थी, वो उसका नॉर्मल थॉट प्रोसेस चल रहा था। थोड़ा सा बस एक फियर था तो नॉर्मल थॉट्स चल रहे थे उसके, क्योंकि उसके थॉट्स में क्लैरिटी आ रही थी। यहाँ पर उसको फिजिकल लेवल पर सिम्टम्स सारे ऑलमोस्ट गायब हो गए थे, यहाँ पर फिजिकल सिम्टम्स नहीं थे। और बिहेवियर में क्या था, वो अपने बॉयज़ के साथ जो है ना एक्सपोज करता था, मतलब आराम से उनके साथ खेलता था। जितने भी मेल्स बॉयज़ थे उसकी लाइफ में उनके साथ वो कम्फर्टेबल हो गया था। तो यानी कि पहले वो क्या कर रहा था, अवॉइड कर रहा था मेल्स को, और वो बाद में क्या करने लगा, बाद में मेल्स के साथ कंफर्टेबल होने लगा। तो इस तरीके की कई सारी वर्कशीट आपको अलग 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 अपने थॉट्स के लिए करनी है, जो कि सारी वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है ये। तो आपको ये 15 दिन का एक्सपोजर टास्क लिया, उसके बाद फिर से करनी है, उसके बाद मान लीजिए आपने 30 डेज चैलेंज लिया, फिर ये करनी है। इसको पूरी तरह से जाने में कुछ महीनों का समय लगता है, तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मेहनत से इसको बार 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 करना है। उसके बाद अब देखिए कि जो पूरा कंप्लीट रिकवरी प्लान भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है। जैसे डिस्प्यूटेशन ऑफ बिलीफ तो मैंने भी आपको बताया है इससे पहली स्लाइड में। अब एक्सपोजर के लिए, तो एक्सपोजर के लिए जैसे आपको HOCD है, तो भाई सबसे पहले तो आपको एक्सपोजर क्या करना है, आपको क्या रहना है, जो मेल्स हैं चाहे वो कोई भी आपके रिलेशन में हो, आपको उनको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उनके कॉन्टैक्ट में रहना है, आपको उनके टच में रहना है पूरी तरीके से। आप चाहे तो जाकर मसाज भी ले सकते हैं, आप जो है ना अपने परिवार वालों के साथ खूब टाइम स्पेंड करें, उन्हें हग करें, छुए, बाहर अपने दोस्तों के साथ खूब खेलें, वैसे ही पार्टी करें, हर तरीके से जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। तो एक्सपोजर में जो है ना बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो है कि एक्सपोजर एक तो सेफ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरीके की बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाएं और अनकंट्रोलेबल हो जाएं तो आपको संभालने वाला कोई ना हो। तो जब भी आप एक्सपोजर करें तो किसी को इन्फॉर्म कर कर जाएं, ताकि जो है ना शुरुआत में जब एक्सपोजर में कभी कभी दिक्कत आती है तो आपको कोई संभालने वाला हो। अदरवाइज़ HOCD के एक्सपोजर के लिए आपको अपने आप को मेल्स को जो है ना एक्सपोज करना है, क्योंकि जितना आप उनको एक्सपोज करेंगे उतना आपका HOCD घटेगा। दूसरा नॉर्मल, जैसे अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन है तो नेचुरली आप उनसे भी बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रहें और बिल्कुल उनसे हंसते घुलते मिलते रहें और बहुत आराम से यहाँ पर जो है ना कंफर्टेबल होकर करें। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के उसमें रखना है, और एक्सपोजर करते वक्त आपको नोटिस करनी है अपनी फीलिंग्स,
बेसिकली आपको ना एक लॉग बना लेना है। जब आप वो लॉग बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जब आपने मेल्स के साथ एक्सपोजर करा तो आपकी कैसी फीलिंग्स थी। फिर आपको नोटिस करना है कि जब आप फीमेल्स के साथ थे तो आपकी फीलिंग्स कैसी थी। आप देखेंगे कि फीमेल्स के साथ, जिन भी लोगों को एचओसीडी होती है, फीमेल्स के साथ उनको नेचुरली एक पॉजिटिव अच्छी फीलिंग्स आती हैं, और जब भी वो मेल्स के साथ वो करते हैं तो वो फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। वो भी अच्छी फीलिंग होती हैं, लेकिन वो फीलिंग डिफरेंट होती हैं। अब उन दोनों फीलिंग्स में आप बहुत आराम से, क्योंकि अब आप शांत हो रहे हैं, तो आप ना बहुत आराम से उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब आप एक बात बताइए, तो हमेशा से ही होता है कि शुरुआत से ही लड़कों को लड़कों के साथ खेलने के लिए और लड़कियों को लड़कियों के साथ खेलने के लिए ही इनक्रेज किया जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो अपने ग्रुप भी बना लेते हैं, बॉयज़ बॉयज़ के ग्रुप में, गर्ल्स गर्ल्स के ग्रुप में। तो मेल्स के साथ खेलने का मतलब, या शुरुआत से आपके अच्छे दोस्त रहे हों, या आप उनके साथ खूब अच्छी तरीके से खेले हों, गले मिलते हों, उनको छूते हों, इसका मतलब ये थोड़ा ना हो जाता है कि आप सेल्फ डाउट में चले जाएं कि मैं अपने दोस्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाता था, या मैं उसको ऐसे हग करता था, मैं उसके बाल खींचता था, या मैं उसको शर्ट पकड़ कर ऐसे खींचता था। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आप उसको किसी डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ, ये सब डिफरेंट मोटिव के साथ कर रहे थे। ये तो एक कॉमन बिहेवियर है। आज भी बहुत ऐसे खुलेआम पेरेंट्स नहीं छूट देते हैं कि जाओ लड़के लड़कियां खेल लो, कहीं भी अकेले बैठ के कुछ कर लो। सभी पेरेंट्स अभी भी कंसर्न होते हैं कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो बॉयज़ बॉयज़ के साथ, गर्ल्स गर्ल्स के साथ, अब गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेल रही हैं या बॉय बॉय के साथ खेल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो होमोसेक्सुअल हैं, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब ऐसे तो कोई फीमेल फीमेल बेस्ट फ्रेंड होंगे ही नहीं, ऐसे तो मेल मेल बेस्ट फ्रेंड होंगे ही नहीं। इसका तो सभी का मतलब इंटरप्रिटेशन आप ये निकाल लेंगे कि आप होमोसेक्सुअल हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको नेचुरली वो फीलिंग्स खुद ही समझ में आ जाती हैं। तो जब आप एक्सपोजर करते हैं, मतलब आप उनके नॉर्मली कांटेक्ट में, जैसे अभी तक आप रहे थे भाई 17 साल से पहले भी तो आराम से लड़के के दोस्त थे, या घर परिवार में जितने भी जेंट्स थे सबके साथ आराम से घुलना मिलना था। बिल्कुल उसी थॉट प्रोसेस के साथ अपने 17 साल से पहले की जर्नी, मतलब जिस भी साल में आपको, एज में आपको HOCD ट्रिगर हुआ है, उससे पहले की जर्नी को आपको एक्सपोजर में रिव्यू करना है। तो इसके लिए इमेजिनरी एक्सपोजर करते हैं हम, इसमें दो फेज में करते हैं। जैसे उस लड़के की एज 17 साल थी तो उसका 17 ईयर्स का, जब तक वो मतलब बिफोर जो HOCD था उसका, उसमें क्या था, उसको हमने बोला कि रिकॉल करो, देखो बचपन से लड़कों के साथ खेलते आ रहे हो आप, आराम से अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ एकदम से बिल्कुल कंफर्टेबल थे, वो देखो। और फिर साथ के साथ उसे इमेजिनरी एक्सपोजर में हम सजेशंस देते थे, गाइडेड होते थे। तो उसकी हिप्नोथेरेपी भी बहुत चली, तो उसमें हिप्नोथेरेपी में हम उसको पूरा का पूरा, सबसे पहले तो ये ढूंढने में भी मदद कराई कि कौन कौन से उसके अंदर ट्रिगर्स, कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिनका ये लिंक है। तो ये एक ट्रेंड थेरेपिस्ट ही कर सकता है, और उसी से आपको ये हिप्नोथेरेपी करानी चाहिए। और फिर उसके बाद हम उसको मेंटल एक्सपोजर्स कराते थे, जिसमें कि वो देखता था अपने आप को बॉयज़ के साथ नॉर्मली खेलते हुए, अपने परिवार वालों के साथ कभी हग करते हुए नॉर्मली, और देखता था कि वो कोई इमेजेस नहीं आ रहे हैं, जहाँ पर भी बॉडी पर उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती थी वहीं पर रिलैक्सेशन को इंड्यूस किया जाता था अगेन एंड अगेन। तो फिर उसको एक सेल्फ जो है ना टेक्निक भी सिखाई गई, जिसे वो घर पर प्रैक्टिस करता था, और फिर वो उस मेंटल एक्सपोजर को करता था, आँखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स कर अपनी इमेजिनेशन में बॉयज़ के साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करते हुए, एकदम कंफर्टेबल फील करते हुए, और ये देखते हुए कि जब वो बॉयज़ के साथ होता है तब उसके दिमाग में बिल्कुल नॉर्मल वैसी ही थॉट्स आती हैं जैसे अभी 17 साल तक पहले आ रही थी, उतना ही कंफर्टेबल। तो ये सारा प्रोसेस आपका थेरेपिस्ट भी करता है आपके साथ, क्योंकि ये एक ट्रेंड थेरेपिस्ट के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वरना पास्ट की मेमोरी में आप कहीं कोई चीज़ आपको जब रिकॉल होती है तो आप स्टक भी कर सकते हो। अगर आप थेरेपिस्ट के साथ करते हो तो वो आपको संभाल लेता है, आपको कहीं स्टक नहीं होने देता है। और इसके कुछ सेफ प्रोसेस भी होते हैं जो हम सिखाते हैं और आप अपने घर पे भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मली बिल्कुल आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स कर आप मेंटली इमेजेस क्रिएट करो कि आप जो है ना HOCD वाला थॉट हटा कर जो नया आपका इफेक्टिव बिलीफ है उसको दिमाग में रखते हुए, और मेंटली देखो कि आप जब भी मेल्स के आसपास होते हो, उन्हें टच करते हो, उनके साथ खेलते हो, बात करते हो, खाते हो, घूमते हो, फिरते हो, एब्सोल्युटली नॉर्मल फील करते हो और अपनी आइडेंटिटी के बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हो।
फिर वहीं पर जो आपकी नेचुरल आइडेंटिटी है कि आप एकदम स्ट्रेट हो, सो उसमें आप अपने, अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ आप अपनी इमेजिनेशन कर सकते हो, या आपका किसी पे क्रश है उसके साथ आप कर सकते हो, या नॉर्मल आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप अपने आप को देख सकते हो कि उनके लिए नेचुरली आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो वो मेंटली भी हम फीलिंग्स में डिफ्रेंशिएट करना सिखाते हैं, तो ये भी इसके लिए बहुत पावरफुल होता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको रिलैक्स करने में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि जब ये जो HOCD है ये एक तरीके की एंग्जाइटी है, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल और इमोशनल लेवल पर जब सिम्टम्स आते हैं, थॉट्स और इमोशन से ओवरवेल्म फील करता है पर्सन, तो उसको रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो मेरी ऐप पर आपको मिल जाएंगी वो आप करें, और डाइट में, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल डाउन चले जाते हैं। अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सेरोटोनिन लेवल को नेचुरली कैसे बढ़ाएं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें बताई हुई टेक्निक्स को इस्तेमाल करें तो नेचुरली आपके सेरोटोनिन लेवल बढ़ेंगे। ऐसे ही लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। जिसका भी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता है बेसिकली उसको पहले से एंग्जाइटी का बड़ा पैटर्न होता है, तो उसमें हम लाइफस्टाइल भी करेक्ट करते हैं, पर्सन की पर्सनालिटी पे भी काम करते हैं, नेचर पे भी उसकी पूरा काम करते हैं, जो उसका सोचने का तरीका होता है वो सब भी बदलते हैं। तो इस तरीके से पूरा करके HOCD आप अपने घर पर भी ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए मैंने शॉर्ट में इस वीडियो में बता दिया है, क्योंकि अगर किसी का ट्रीटमेंट 6-8 महीने चलता है और उसका स्टेप बाय स्टेप डिस्प्यूट करा के एक्सपोजर्स हम सब कराते हैं, तो एक वीडियो में पूरा 8 महीने की जर्नी बताना पॉसिबल है। लेकिन ऐसे ही होता है, इसको आप अपने घर के लेवल पर बार 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 करेंगे तो आप घर बैठे हुए भी ठीक हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली थेरेपिस्ट हैं ही किस लिए, आप लोगों के लिए ही तो हैं। तो ज़रूर अपने पसंद के थेरेपिस्ट को आप कॉन्टैक्ट करें और अपनी HOCD से मुक्ति पाएँ, ताकि आप HOCD फ्री लाइफ आराम से जिएं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर ट्यूसडे और सैटरडे को ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। मेरा एक ही पर्पस है और वो ये है कि आपकी घर बैठे ही साइकोलॉजिकल हेल्प हो सके, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस मिशन में ज़रूर साथ देंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, और कमेंट कर भी मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा।